किसान कृषि योजना डिजिटल सोलर इंडिया युवाओं के लिए लाया है रोजगार का सुनहरा मौका। कंपनी को पूरे यूपी जिले से लेकर न्याय पंचायत में जुझारू और मेहनती युवाओं की जरूरत है, तो देर किस बात की। आपके ख्वाब पूरा होने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारा पता है केडी इंटरप्राइजेज, दुर्गापुर बाजार, जिला अमेठी। हमारा मोबाइल नंबर है 7881109261 और 7991579262। नमस्कार, मैं हूँ किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबरों का। अमेठी में बेसिक शिक्षा अधिकारी संगीता ने 6 एआरपीओ का वेतन रोक दिया है। इन सभी पर निपुण भारत मिशन कार्य में रुचि न लेने पर यह एक्शन लिया गया है। अमेठी में थाना जगदीशपुर पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने कुछ दिन पहले अपने भतीजे की हत्या की थी। अमेठी में थाना जगदीशपुर पुलिस ने अमरजीत नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर दुराचार का मुकदमा दर्ज है। अमेठी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक बंदूक चला रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के सिंधियावा गांव का है। अमेठी में इनौना थाना क्षेत्र के मियागंज में एक युवक का शव फांसी से लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि युवक बाराबंकी का रहने वाला है। अमेठी में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर धर्म परिवर्तन कराने का मामला दर्ज है। अमेठी में कमरौली थाना क्षेत्र के यूपी सीरा कॉलोनी उतेलवा में एक महिला के घर में चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि चोरी करने आया युवक अपना मोबाइल फोन महिला के घर में ही भूलकर फरार हो गया है। बहराइच में मोतीपुर में अचानक गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से एक मकान गिर गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक युवती की मौत हुई है। लखीमपुर में थाना फूलबेड़ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम रामनाथ बताया जा रहा है। लखीमपुर में थाना फूलबेड़ पुलिस ने सुदामा उर्फ छोटू नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर चोरी का मुकदमा दर्ज है। लखीमपुर में थाना उचौलिया पुलिस ने इनामिया गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम संजय बताया जा रहा है, जिस पर 10,000 का इनाम घोषित था। लखीमपुर में थाना मैलानी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम रामपाल और मुजीब बताए जा रहे हैं। औरैया में पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने महज 4 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए लूटा गया माल बरामद किया और 4 आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।